गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सबों को वर्नियर कैलिपर्स का यूज। इससे किस तरह से जो है हम किसी भी चीज़ का लेंथ, डायमीटर वगैरह मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। और इसका वर्चुअल लैब में किस तरह से यूज करेंगे, वर्चुअली किस तरह से यूज करेंगे, वो भी मैं बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं इसका वर्चुअल लैब में ही आपको बताता हूँ किस तरह से इसका यूज करेंगे। जो तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में हमें लिखना है अमृता ओ लैब्स। अमृता ओ लैब हमने टाइप कर दिया। उसके बाद जो पहला वाला सर्च रिजल्ट आपको दिखेगा www.olabs.edu.in, उस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है बहुत सारे लैब का आ जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी के लैब का है। तो हम सबसे पहले फिजिक्स के लैब का, ये वर्चुअल लैब का लिंक है। यहाँ से जो है वर्चुअल और रियल दोनों का आपको बता दूंगा कि किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो देखेंगे ये फिजिक्स में जो है, मैं देख लेता हूँ, ऊपर में क्लास ट्वेल्थ का लैब है और उसके नीचे में जो है आपका क्लास इलेवेंथ का लैब है। उसमें आपको फर्स्ट में ही जो है वर्नियर कैलिपर्स दिख जाएगा। ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स का दिए हुए है, यहीं पर इसी पर हमें क्लिक करना होगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर्स का आ गया है। तो इसमें इसका जो है शुरू में डिस्क्रिप्शन दिया गया, ऑपरेटर्स का थ्योरी वगैरह दिया गया, तो आप वहाँ से देख ले सकते हैं कि जो है इसमें क्या क्या है आपका। तो यहाँ देखेंगे कि वाटेज वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इसका यूजेज क्या है, ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स है क्या डिटेल में। तो देख रहे होंगे कि फिगर में आपको ये दिख रहा है, इसी ऑपरेटर्स का नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है। तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो है ये जो एक मेटल का स्टिक बना हुआ है, ये जो आपके पास स्केल होता है ये वही नॉर्मल स्केल बना हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये नीचे में जो स्केल है वो सेंटीमीटर का स्केल है, जिसका एवरी जो है यहाँ से 1 और 2 के बीच का जो है 10 डिवीजन है और 1 डिवीजन = 1 mm है, यहाँ पर शो कर रहा है। ऊपर में जो स्केल है वो इंच में है, ठीक है, वो फुट स्केल है आपका। ये यहाँ पर 1, 2 जो है ये इंच में शो कर रहा है। यहाँ तक 6 इंच का ये स्केल है और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें ये जो यहाँ पर एक आपको सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, ये सर्कुलर को रिटेनर कहते हैं। ये जो नीचे में आपको यहाँ पर जो स्केल दिख रहा है, ये जो नीचे साइड में, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आपका मेन स्केल है, जो मेटल स्टिक पर बना हुआ है स्केल, उसको मेन स्केल। और नीचे में ये जो इस टाइप से लाइन बना हुआ है, ये आपका वर्नियर स्केल है। तो इसको किस टाइप से हम लोग करेंगे यूज, ये हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको आउटर मेजरिंग जॉब कहते हैं, मतलब किसी भी जो है चीज़ का हम लोग आउटर उसका डायमेंशन हम लोग मेजर करेंगे और इससे जो है इनर डायमेंशन मेजर करेंगे। किस टाइप से करेंगे ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये देखिए डेप्थ मेजरिंग रॉड है आपका, या फिर प्रोंग भी कहते हैं। ये समझ गए आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या क्या चीज़ था। तो इसे मेजरमेंट अब किस तरह से करेंगे, अब मैं ये बताता हूँ। तो देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी ऑपरेटर्स का जो है लिस्ट काउंट ही निकालना होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो वो लिस्ट काउंट उस ऑपरेटर्स के बारे में बताता है कि उससे मिनिमम आप कितना जो है क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटर से जो मिनिमम क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, वही वो क्वांटिटी क्या कहलाता है, उसका लिस्ट काउंट। तो इसमें कौन सा क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को। तो मिनिमम कितना लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ये निकालेंगे, देखेंगे कैसे। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है ये पहले देख लेंगे आप लोग, कि ये 1 मेन स्केल डिवीजन - 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही जो है आपका वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है आपका। जैसे कि आप लोग के पास जो सिंपल मीटर स्केल होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें, तो इसे मिनिमम हम लोग कितना जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो जो इसके 1 डिवीजन का लेंथ है
वही आप जो है मिनिमम मेजर कर सकते हैं, जो सिंपल आपका मीटर स्केल होता है, मतलब कि वन मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है, इससे हम लोग 0.1 mm तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ गए कि इससे हम लोग 0.1 mm, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 0.01 cm जो है हम लोग मेजरमेंट मिनिमम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे मेजरमेंट होगा। जो तो देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिस्ट काउंट किस टाइप से निकालेंगे वो आपको फार्मूला मैंने बता दिया। अब देखेंगे इसमें आगे कि आगे मैं बताऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए MSR जो है मेन स्केल रीडिंग को लिखता है, मेन स्केल रीडिंग MSR। VSR क्या है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग है। और इसके इक्वल टू क्या होता है, एन मतलब कितना जो है आपका उसमें रीडिंग बता रहा है, एन इंटू लिस्ट काउंट। LC जो है क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। और टोटल रीडिंग जो है कितना हो जाएगा, तो TR उसको लिख रहा है, MSR प्लस VSR जो है दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगा। आप किस टाइप से मेजरमेंट करेंगे तो वो हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं ऊपर में। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर में यहाँ पर थ्योरी आएगा लिखा हुआ, साइड में ये थ्री लाइन होगा, तो थ्री लाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर पर क्लिक किए तो इसमें देखिए मेजरमेंट का प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले क्या है कि आप इसके थ्रू जो है अपना कॉपी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको अपना कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी लिखेंगे जो फर्स्ट पेज पर आया था। उसके बाद जो है आपको क्या लिखना, देखिए स्टार्टिंग में फिर से आप लोग को बताता हूँ कॉपी किस टाइप से आप लोग बनाएंगे, जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या सेकंड सेमेस्टर के, वो जो है अपना प्रैक्टिकल किस टाइप से लिखेंगे, या फिर 11th 12th वाले। तो सबसे पहले आपको एम लिखना होता है, या फिर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ से आप लोग ले लेंगे कि देखेंगे कि पहला में जो आवर ऑब्जेक्टिव, यही जो है आपका नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो ये जो है कौन कौन सा इसमें प्रैक्टिकल है भाई, तो पहला नंबर में दिया गया टू नो द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसमें वर्नियर कैलिपर्स का यूज की जानकारी है। दो नंबर में टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब कि एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी का जो है डायमीटर किस टाइप से मेजरमेंट करेंगे वो बताया गया है। उसके बाद जो है दो नंबर में कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें बताया गया, टू मेजर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए गिवन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मतलब कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका जो है लेंथ विड्थ और हाइट किस टाइप से हम मेजरमेंट करेंगे वो बता इसमें हम लोग जानेंगे। और तीन नंबर में आपका क्या है, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द बीकर या फिर कैलोरीमीटर एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम, मतलब कोई हेलो सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो है हम लोग क्या करना है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो है इंटरनल डायमीटर और डेप्थ की जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों को मेजर करेंगे और उससे के हेल्प से हम लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, इसमें तीन एक्सपेरिमेंट मेनली आपका है। उसके बाद आपको जो है क्या लिखना होगा, कौन कौन सा ऑपरेटर चाहिए। तो प्रोसीजर में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल रिक्वायर्ड, सबसे पहला आपको लिखना नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल क्या चाहिए भाई, तो मेजरमेंट करना है किस चीज़ से मेजरमेंट करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर से, तो एक नंबर में वर्नियर कैलिपर्स। और उसके बाद हमको किस चीज़ का मेजरमेंट करना है, तो उसका नाम लिख देंगे, ये स्फेरिकल बॉडी, मतलब जब हमको स्फेयर का करना है तो स्फेरिकल बॉडी, सिलेंडर का करना है तो सिलेंडर, अगर स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक का करना है तो वो चाहिए, या फिर बीकर या फिर कैलोरीमीटर का चाहिए तो उसको लेंगे। उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जो है आपका ऑपरेटस हो गया, फिर से हम थ्योरी पर आ जाते हैं। नेम ऑफ ऑपरेटस के बाद क्या लिखना होगा, उसका थ्योरी लिखना होगा तीन नंबर में, तो थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी में क्या लिखना है भाई, तो देखेंगे ये जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल चीज़ लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट किस टाइप से मेजरमेंट करते हैं, टोटल चीज़ों का यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। इसको आपको नोट कर लेना होता है आपने नोटबुक में, तो इसको नोटबुक में नोट कर लेने के बाद आप प्रोसीजर पर आ जाते हैं। फिर से प्रोसीजर में क्या है भाई, तो मेजरमेंट किस टाइप से करेंगे, तो ये हम आप लोग को बता दिए थे
कि क्या होता है, इसका किस टाइप से क्या फंक्शन है, ये डिटेल में अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर को, ये जो ऊपर में आपको प्रोसीजर दिया गया है, ये आपका रियल लैब के लिए दिया गया है कि रियल लैब में किस टाइप से करेंगे आप, और उसके नीचे में जो है ये आपका वर्चुअल लैब में किस टाइप से आप करेंगे उसका प्रोसीजर दिया गया। अगर आप वर्चुअल लैब के थ्रू करते हैं तो उसका लिखेंगे, और रियल लैब से करते हैं तो उस नीचे वाले लिखेंगे। और उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो देखेंगे उसमें कि उसका क्या है। तो देखिए, ये हम अपने आपको बताया भी कि मेन स्केल जो है इसमें, इसका जो है किसी भी जो है जैसे 1 2 या फिर 3 4 के बीच में कितना डिवीज़न है भाई, तो 10 डिवीज़न है। 10 डिवीज़न, यह सेंटीमीटर स्केल है। 10 डिवीज़न है मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है जी, तो 10 mm होता है। तो ये 10 mm हो गया आपका 1 सेंटीमीटर में, मतलब 1 डिवीज़न कितना के इक्वल है जी आपका, तो 1 mm के इक्वल है। 1 डिवीज़न इक्वल टू 1 mm है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न बराबर 1 mm। अब वर्नियर स्केल के बारे में, तो वर्नियर स्केल किस टाइप से, तो वो भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। इसका जो है मैं जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमको चलना होगा डिटेल में जानने के लिए सिमुलेटर में। तो सिमुलेटर, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक मैंने किया, और उसके बाद सिमुलेटर पर क्लिक कर देता हूँ। सिमुलेटर पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आप लोग कि इस टाइप से आ गया है आपके स्क्रीन पे। अगर देखिए क्लियर नहीं दिखता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आपने जो है ये क्रोम में जो 3 डॉट है टॉप में, ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद जो है नीचे में आएगा डेस्कटॉप साइट, उस पर क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर जो है सब दिखने लगेगा। देखिए अब ये जो है हमारा सिमुलेटर है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इसका मेजरमेंट किस टाइप से करेंगे, फिर से आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो है आपका मूवेबल जॉब होता है, मैंने आपको बताया था। ये दोनों जॉब जो है फिक्स है, ठीक है, ये लोअर साइड का, ये अपर साइड का है, ठीक है, ये दोनों फिक्स होता है, और ये साइड वाला जो है आपका मूवेबल होता है, ठीक है। अब नीचे वाले को बताए थे हम कि इससे किसी भी चीज़ का हम लोग आउटर डायमीटर जो है, या फिर आउटर डायमेंशन को जो है हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और ऊपर वाले से इनर को। तो किस टाइप से मेजरमेंट करते हैं वो देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर को नीचे में इस टाइप से रखेंगे, और इसको यहाँ पर हम लोग टच करा देंगे। अब ये जो है इसका हम लोग आउटर डायमीटर यहाँ से मेजर कर सकते हैं, या फिर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का भी जो है हम लोग उसी टाइप से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका आउटर डायमीटर यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर इसका लेंथ मेजर करना है तो इस टाइप से रख दिए। तो जो है इस टाइप से रखने के बाद जो है इसका हम लोग कितना जो है लेंथ है, मतलब हाइट, वो जो है हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग कि अगर इंटरनल मेजर करना है तो किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में हम लोग रख देंगे। अब देखिए ये जो उसको ऊपर में रख देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ऊपर में आ गया, तो यहाँ से जो है इसको बाहर की ओर खींचेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हमको जो है एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजरमेंट करना होता है, ये जो मूवेबल जॉब है उसको हम लोग टच कराएंगे, मतलब कि उसको हम लोग लेफ्ट साइड में जो है स्लाइड करा करके टच कराएंगे, और जो है मेजरमेंट करेंगे। अगर जब इनर मेजरमेंट करना है तो इसको हम लोग राइट साइड में खींचेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग खींचेंगे, तब जो है इसका इंटरनल डायमेंशन को मेजर करेंगे, मतलब कि इसका इंटरनल डायमीटर को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अगर इसका डेप्थ मेजर करना है तो यहाँ पर डेप्थ पर हमने क्लिक किया। अब देखिए यही मूवेबल जॉब को हम लोग यहाँ पर इस टाइप से क्लिक किए, और यहाँ से जो है हम लोग इसका देख रहे होंगे कि ये जो है डेप्थ को मेजर करेंगे। तो इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं ये आप लोगों ने देख लिया, कि इससे हम लोग जो है इनर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं ऊपर से, ऊपर वाले जॉब के हेल्प से, आउटर को कर सकते हैं नीचे से, और डेप्थ को कर सकते हैं नीचे से पीछे वाले से, ठीक है। ये जो है इसे 3 मेजरमेंट होगा। अब जो है मैं आपको यहाँ पर लेके आया था कि जो है वर्नियर स्केल क्या होता है।
तो सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं इस सब को जो भी है ऐसे। आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे में भी एक स्केल बना हुआ है, ठीक है। एक मिनट जरा सा क्लियर आप लोग देखिएगा, आप लोग ये क्लियर देख रहे होंगे कि इसमें जो है कि नीचे में स्केल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये ऊपर में जो मेन स्केल है, तो मेन स्केल ऊपर में है और नीचे क्या है, वर्नियर स्केल है, जिसको हम लोग VS भी लिखते हैं। ये वर्नियर स्केल है, ऊपर वाले को मेन स्केल, लेकिन नीचे वाले जो स्केल है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो 3 से 3 तो हम लोग मिला दिए, लेकिन इसका जो है उसके बाद वाला कोई डिवीज़न जो है वो डायरेक्ट रूप से नहीं मैच कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? तो इसका देख रहे होंगे कि इसका 9 डिवीज़न इसके 10 डिवीज़न के बराबर होता है, मतलब कि 9 मेन स्केल डिवीज़न बराबर का हो रहा 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो रहा। एक मिनट स्केल डिवीज़न, ठीक है, 9 मेन स्केल डिवीज़न इसकेल टू क्या हो गया, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। नीचे वालों को हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लिए आप लोगों ने। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं सेक्शन किस में, प्रोसीजर वाले सेक्शन में, कि जहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर 9 मेन स्केल डिवीज़न हो जाएगा, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर क्या हो जाएगा, तो 9/10 मेन स्केल डिवीज़न हो जाएगा। अच्छा, ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि 1 मेन स्केल डिवीज़न बराबर 1 mm होता है, तो इसको 9/10 को हम लोग 0.9 भी लिख सकते हैं, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 0.9 ही हो जाएगा, लेकिन ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि 1 MSD बराबर 1 mm होता है, तो 1 VSD बराबर क्या हो गया आपका, 0.9 mm हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले ही, इससे पहले जो हम लोग बताए थे आपको, हमने बताया था कि वर्नियर कांस्टेंट या फिर लिस्ट काउंट बराबर फार्मूला क्या होता है। वर्नियर कांस्टेंट VC या फिर लिस्ट काउंट दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों वर्नियर कांस्टेंट कहें या फिर लिस्ट काउंट कहें, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये वर्नियर कांस्टेंट या फिर लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, 1 mm, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना के इक्वल है, तो 0.9 mm का, इसको माइनस कर दिए हम लोग, तो ये कितना आ गया आपका, वर्नियर कांस्टेंट जो है 0.1 mm, या फिर इसी को क्या कहेंगे हम लोग, 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया वर्नियर कांस्टेंट या फिर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ था शुरू में थ्योरी वाले सेक्शन में, देखेंगे थ्योरी वाले सेक्शन में हम लोग फिर आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, देखेंगे कि लिस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ इसी का यूज करके हमने आपको लिस्ट काउंट निकाल दिया इसका, तो लिस्ट काउंट तो आपने निकालना सीख गया, ठीक है। अब लिस्ट काउंट जब निकल गया है आपका, इस जो आपका अपरेटस है, इक्विपमेंट है, उसका निकल गया, और कितना हुआ, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm। अब देखिए, ये जो लिस्ट काउंट है ये आपको बहुत एग्जाम में पूछता है, ये आपका डिप्लोमा का एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, इसके अलावा आप रेलवे JEE का भरिएगा उसमें भी पूछ सकता है कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। आप अगर जब ALP का फॉर्म भरिएगा उसमें भी पूछेगा, कोई भी JEE का फॉर्म भरिएगा उसमें ये पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एकदम रट लीजिए कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है, 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है।
समझ रहे हैं आप लोग। तो जो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब डायमेंशन जो है टू बी मेजर्ड, मैंने कौन सा डायमेंशन हम लोग मेजर कर रहे हैं, मतलब डायमीटर कर रहे हैं तो डायमीटर, अगर जब हम लोग सिलेंडर का हाइट कर रहे हैं तो हाइट हो जाएगा, लेंथ कर रहे हैं तो लेंथ हो जाएगा, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर साइड में लिखा गया है, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद क्या है जी, मेन स्केल रीडिंग जिसको MSR शॉर्ट में कहेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग जिसको VSR कहेंगे। अब VSR को अगर देखिए, ये VSR आपका कैसे बनेगा जो है सेंटीमीटर में, या फिर जो है आपका ये तो आपका मेन स्केल रीडिंग जो आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, लेकिन इसको जो है वर्नियर स्केल रीडिंग में अगर जब लीस्ट काउंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद टोटल रीडिंग बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट जो है सेंटीमीटर में बताएगा। और ये जब एक दो तीन रीडिंग का जगह है इसमें, ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा, तीन रीडिंग का है, तीन रीडिंग लेंगे और तीनों का मीन निकाल के यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे। अब देखेंगे ये तो टेबल आपका फिल हो जाएगा, इसी टेबल को आप लोग लिखे फिल कर करके कॉपी में जो है कॉलेज में जमा करेंगे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो जो है मीन करेक्शन किस टाइप से होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किस टाइप से निकालेंगे, वो सब चीज़ों को फार्मूला आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बराबर L×B×H हो जाएगा, ये आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए किस टाइप से मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करना हम सिखाते हैं आप लोग को, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, अगर कुछ भी पॉज कीजिएगा वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा, सिमुलेटर पर फिर से क्लिक करते हैं। देखिए सिमुलेटर पर क्लिक करने के बाद ये जो है आपका आ गया है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर आ गया है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से मेजरमेंट करना है। यह हमने आपको बताया है, देखिए ये दोनों को हम लोग टच करा दिए जॉब को, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से टच करने के बाद देख रहे होंगे कि ये जो मेन स्केल का फर्स्ट लाइन है, मेन स्केल का फर्स्ट लाइन जिस पर 0 लिखा हुआ है नीचे में जो है फर्स्ट लाइन, वो वर्नियर स्केल का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन 0 होता है, ठीक है, चाहे मेन स्केल का हो या फिर वर्नियर स्केल का हो, पहला लाइन 0 को इंडिकेट करता है, दूसरा लाइन 1 को, इसी तरह से कंटिन्यूस चलते रहता है, तीसरा दूसरा 2 को, तीसरा 3, ये दूसरा जो है तुम्हारा, एक मिनट देखिए, ये पहला लाइन 0 को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा 1 को, तीसरा जो है 2 को, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका तीसरा जो है, तीसरा नहीं चौथा नंबर है, ये आपका 3 को इंडिकेट कर रहा है इस तरह से, और ये फाइनली आपका जो है 10 नंबर का हो गया, देख रहे होंगे कंट कर लीजिएगा आप, तो ये जो है आपका 10th लाइन है। तो हम लोग मेजरमेंट किस टाइप से करेंगे, तो देख रहे होंगे कि जब दोनों जॉब एक दूसरे से टच किया हुआ है, ये जो हम लोग इसको जब टच करा दिए, टच करा दिए, तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मैच कर गया, और उसके बाद जो है ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बता रहा है कितना को, तो ये बता रहा जो लिस्ट काउंट का आपका वैल्यू है वही होता, पहला जो है लाइन आपका मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का वो 0 का, और दूसरा जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस है, माने दूसरा लाइन आपका मेन स्केल और दूसरा लाइन वर्नियर स्केल का दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.1 mm का, ठीक है। तो इस टाइप से, और दसवां लाइन जो है ये मेन स्केल का और दसवां लाइन वर्नियर स्केल का दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 mm का। पहला लाइन दूसरा लाइन के बीच में है 0.1 mm का, और दसवां लाइन में है 1 mm का। अब इसका देखिए मेजरमेंट किस टाइप से करेंगे, तो हम लोग जो है मेजरमेंट किस टाइप से करेंगे, ये स्फेयर को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो है क्या करना है कि ये वाला को जो है हम लोग लेफ्ट साइड में स्लाइड करा दिए, अब पूरी तरह से टच करा देना है खींच करके एकदम। अब टच करा देने के बाद देखिएगा आप लोग कि ये वाला जो है, एक मिनट
जरा सा हैंग कर रहा है, एक मिनट के लिए हम ऑफ करेंगे। टच करा देने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है हमको मेजरमेंट का वैल्यू मिल रहा है। तो मेजरमेंट करने के लिए ये जब टच हम लोगों ने करा दिया तो मेजरमेंट हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से करना है। जो तो ये इसका देखिएगा, लेंस के थ्रू जो है यहाँ पर ऊपर में जूम फिगर आपको दिख रहा है। तो जूम करके फिगर दिख रहा है, तो जूम फिगर में आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जो है आपका 1 सेंटीमीटर को ऊपर वाला जो है इंडिकेट कर रहा, मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है कितना हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जिस लाइन को नीचे वाला जो वर्नियर स्केल का 0 है, ये जो पहला लाइन होता है ये वर्नियर स्केल का 0 होता, पहले ही बता दिए हैं। तो मेन स्केल के जिस लाइन को क्रॉस कर जाए वही लाइन जो है क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग होता है। तो मेन स्केल के कौन से लाइन को क्रॉस किया, तो ये 1 वाले लाइन को किया, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका हो गया मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद देखना है कि वर्नियर का, ये वर्नियर स्केल का कौन सा जो लाइन है आपका, वो मेन स्केल के किसी भी एक लाइन से डायरेक्टली मैच कर रहा है। तो डायरेक्टली मैच कर रहा है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि आपका जो है ये तो 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7th लाइन जो है सो डायरेक्टली मैच कर रहा है। डायरेक्टली मैच आपका 6th वाला लाइन ही कर रहा है, यही लाइन आपका डायरेक्टली मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गया आपका, VSR बराबर हो गया आपका 6 इंटू, इसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका लिस्ट काउंट कितना है भाई, लिस्ट काउंट है 6 × 0.01 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 0.06 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और आपका दोनों को क्या बताया था, टोटल रीडिंग बराबर बताए थे MSR प्लस VSR। MSR हमारा कितना बताया अभी, 1 सेंटीमीटर, प्लस VSR कितना आया, 0.06 सेंटीमीटर। फाइनल मेजरमेंट क्या हो गया, 1.06 सेंटीमीटर। अब इसको हमको चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर जो है एक बॉक्स दिया हुआ है साइड में, इसमें लिखना है इंटर रीडिंग, मतलब फाइनल कैलकुलेशन हम कॉपी पर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1. कितना लिखेंगे भाई, लिखना है 1.06, ठीक है, सेंटीमीटर में लिखना, चेक करना है। तो देखेंगे कि जैसे ही मैंने 1.06 डाला, यहाँ पर गुड का साइन आ गया, मतलब मैंने जो रीडिंग लिया था यहाँ पर, जो मैंने मेजरमेंट किया वो सही है। ठीक है, तभी गुड लगेगा, अगर इसमें मैं कोई दूसरा वैल्यू डालूँगा तो वो सही नहीं बताएगा। जैसे कि मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया और उसके बाद चेक करता हूँ, तो ये देखते होंगे आप कि यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया, मतलब कि ये 1.05 नहीं होगा, ये गलती रीडिंग मैंने लिया है। यहाँ पर ओरिजिनल जो मैंने आपको करके दिखाया वो कितना था भाई, 1.06 था। ठीक है, तभी जो है ये सही होगा, चेक करने पर ये गुड बताता है। तो आप लोग मेजरमेंट करना सीख गए होंगे। इसी टाइप से जो है हम लोग, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर का जो है हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि इसका डायमीटर क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका, एक मिनट, हमने जो है इसको सबसे पहले सिलेंडर को यहाँ से सेलेक्ट किया था। सिलेंडर जैसे जिस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा, मतलब कि इस टाइप से कि यहाँ पर जो आपका बना हुआ है स्फीयर, आयरन ब्लॉक, बीकर और सिलेंडर, आप जिस पर क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा जॉब के बीच में। जैसे कि मैंने ब्लॉक को किया तो ब्लॉक आ गया, सिलेंडर किया सिलेंडर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो है इसको हम लोग पकड़ करके लेफ्ट साइड में स्लाइड करा देंगे और पूरी तरह से टच करा देंगे। इसके बाद इसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे। तो देखेंगे
कि किस टाइप से मेजरमेंट करते हैं। और एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सबका रीडिंग अलग अलग आएगा। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है साइट, इस चलते एवरी टाइम जो है मैं भी अगर अगली बार इसको करूँगा तो कुछ अलग रीडिंग आएगा, तो सबका अलग अलग आता है। तो ये नहीं कि जो मैं किया हूँ वही जो है आपके स्क्रीन पर भी आएगा इस साइट के थ्रू, नहीं, ये सबका अलग अलग आएगा। तो देखेंगे कि इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रहा है ये वाला लाइन, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद वाला लाइन ये 2.1 हो गया, ये 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये 2.6 हो गया आपका। ये वाला लाइन क्या हो गया, 2.6 को इंडिकेट कर रहा है ये वाला लाइन जो है, ठीक है, ये 2.6 सेंटीमीटर को जो है इंडिकेट कर रहा। और देख, हमने आपको क्या बताया था कि मेन स्केल रीडिंग कौन सा होता है, तो जो पॉइंट को भी वर्नियर स्केल का 0 जिसको पास कर जाए वही मेन स्केल रीडिंग होगा। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो है 0 ये था, और ये किसको पास किया है भाई, तो ये इस लाइन को पास किया है, ये वाला लाइन जो है इसको पास किया है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया आपका, ये हो गया 2.6 सेंटीमीटर हो गया, 2.6 सेंटीमीटर हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या देखना है, कि ये 10 लाइन में से देखना है कि कौन सा लाइन मेन स्केल के मतलब ऊपर वाले किसी भी एक लाइन से डायरेक्टली मैच कर जाए, ऊपर वाले के कोई भी एक लाइन से मैच कर जाए। किस लाइन से मैच कर रहा है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला कौन सा लाइन मैच कर रहा है इससे मतलब है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है ये ऊपर वाले इस लाइन से डायरेक्टली मैच कर रहा है, बाकी कोई भी लाइन जो है डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा। तो ये कौन सा लाइन है भाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 0.01 सेंटीमीटर, ये जैसा हम इरेज कर देते हैं इसको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, छोड़िए। हाँ, तो देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग अभी आपने को मैंने बताया कि कौन सा है, ये तीसरा लाइन जो है मैच कर रहा है, तो 3 हो गया, 3 × लिस्ट काउंट करेंगे तो 3 × हम करते हैं लिस्ट काउंट कितना है हमारा, तो 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग जो है, तो टोटल रीडिंग बराबर हम मैंने फार्मूला आपको बताया ही है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है इनटू लिस्ट काउंट, वो मैंने नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो जुटा हुआ है। तो मैंने मेन स्केल रीडिंग लिया था 2.6, यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, सेंटीमीटर में आया था। और जो है आपका वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 0.03 सेंटीमीटर, दोनों मिला करके हो जाएगा 2.63 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल रीडिंग हो गया 2.63। इसको हम इंटर कर देते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि यह सही है कि नहीं, ठीक है, 2.63, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो है इंटर कर दिया 2.63। अब इसके बाद चेक करते हैं कि यह सही है कि नहीं, देखिए चेक वाले बटन पर, इसके बाद जो है मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर चेक वाले बटन पर, चेक पर, देखिए यहाँ पर फिर से गुड का साइन लग गया, मतलब कि जो मैंने रीडिंग लिया था वो सही मेजरमेंट है। इस टाइप से आप लोग जो है मेजरमेंट करना सीख गए होंगे, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो भी मैं बताऊंगा कोई नए एक्सपेरिमेंट या फिर थ्योरी क्लास में कि वो किस टाइप से करना, तो डिप्लोमा क्लास या फिर 11th 12th का क्लास करने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।